एक फटी धोती और फटी कमीज पहने एक व्यक्ति अपनी 15-16 साल की बेटी के साथ एक बड़े होटल में पहुंचा। उन दोनों को कुर्सी पर बैठा देख एक वेटर ने उनके सामने 2 गिलास साफ ठंडे पानी के रख दिए और पूछा, आपके लिए क्या लाना है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने बेटी से वादा किया था, यदि तुम कक्षा में जिले में प्रथम आओगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े होटल में एक डोसा खिलाऊंगा। इसने वादा पूरा किया, कृपया इसके लिए एक डोसा ले आओ। वेटर ने पूछा, आपके लिए क्या लाना है? उसने कहा, मेरे पास एक ही डोसे का पैसा है। पूरी बात सुनकर वेटर मालिक के पास गया और पूरी कहानी बताकर कहा, मैं इन दोनों को भर पेट नाश्ता कराना चाहता हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए इनके बिल की रकम आप मेरी सैलरी से काट लेना। मालिक ने कहा, आज हम होटल की तरफ से इस होनहार बेटी की सफलता की पार्टी देंगे। होटल वालों ने एक टेबल को अच्छी तरह से सजाया और बहुत ही शानदार ढंग से सभी उपस्थित ग्राहकों के साथ उस गरीब बच्ची की सफलता का जश्न मनाया। मालिक ने उन्हें एक बड़े थैले में 3 डोसे और पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई उपहार स्वरूप पैक करके दे दी। इतना सम्मान पाकर आंखों में खुशी के आंसू लिए वे अपने घर चले गए। समय बीतता गया और एक दिन वही लड़की IAS की परीक्षा पास कर उसी शहर में कलेक्टर बन आई। उसने सबसे पहले उसी होटल में एक सिपाही भेजकर कहलाया कि कलेक्टर साहिबा नाश्ता करने आएंगी। होटल मालिक ने तुरंत एक टेबल को अच्छी तरह से सजा दिया। यह खबर सुनते ही पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। कलेक्टर रूपी वह लड़की होटल में मुस्कुराती हुई अपनी माता पिता के साथ पहुंची। सभी उसके सम्मान में खड़े हो गए। होटल के मालिक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और आर्डर के लिए निवेदन किया। उस लड़की ने खड़े होकर होटल मालिक और उस वेटर के आगे नतमस्तक होकर कहा, शायद आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता के पास दूसरा डोसा लेने के लिए पैसे नहीं थे, और आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए मेरे पास होने की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी और मेरे पूरे मोहल्ले के लिए भी मिठाई पैक करके दी थी। आज यह पार्टी मेरी तरफ से है और उपस्थित सभी ग्राहकों एवं पूरे स्टाफ का मैं बिल दूंगी। कल आप दोनों को श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान एक नागरिक मंच पर किया जाएगा। किसी भी गरीब की गरीबी का मजाक बनाने के बजाय उसकी प्रतिभा का उचित सम्मान करें।